नहीं मेरी बात, हिंदू मुसलमान जो है ना, मेरी बात सुनिए, हिंदू भाई भी बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ जो चड्डीधारी, मेरी बात सुनिए, कुछ चड्डीधारी जो लोग हैं जो भगवाधारी भगवा को बदनाम करके रखे हैं, मेरा नाम इश्तियाक है भाई, और जो क्या कहते हैं, भगवा को भी मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, लेकिन चड्डीधारियों ने और भगवाधारियों ने भगवा के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर हमारे राम जी को भी बदनाम करके रखा, इन लोगों ने राम के नाम पर गोली चला रहे हैं आकर के, भगवा पहन के ये लोग जो है क्या नाम है भगवा को बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। सुप्रीम कोर्ट के वकील यहां पर आए हुए हैं, दो वकील आए हैं। विषय यह था कि सुलह करने की विषय थी, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, दादियां बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे यही तकरीर की जा रही थी, उनसे यही बात की जा रही थी कि जो लोग, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, स्थानीय लोगों को, उन लोगों को परेशानी नहीं हो। वजह एक था कि आप सड़क को खाली कर दें, इनकी बातों से सिर्फ इतना ही मालूम पड़ा कि सड़क खाली कर दें ताकि शाहीन बाग का जो मूवमेंट है, शाहीन बाग का जो आंदोलन है, जिसपे तमाम लोग, देश के तमाम जो माइनॉरिटी हैं, दलित लोग हैं, जिनकी एक उम्मीद है इस आंदोलन में, वो किसी तरह नस्ते नाबूद हो जाए, साफ साफ मकसद यही दिख रहा था। तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे तमाम साथी इसमें मौजूद हैं, मैं बात करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ यूथ हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वकील यहाँ पर आए हैं, जो लगातार ये कह रहे थे कि सुलह करने की व्यवस्था बनाई जा रही है, आपने जब उनको सुना तो क्या लगा आपके मन में? बिल्कुल क्लियर। देखिए, सबसे पहले मीडिया हटाना चाहिए, मीडिया सामने बात कर, इस तरह पाई प्लीज, इनको मीडिया को सामने रख के बात करना चाहिए इनको। दूसरी बात, सरकार ने ये कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजने कोई यहाँ मतलब ही नहीं था। सबसे पहले वकील को मतलब भेजने कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ सरकार वाले को आगे बात करना चाहिए और सरकार को ये समझना चाहिए, ये जो जितने लोग हैं यहाँ पे, हर समाज के लोग हैं, सरकार जो कह रहे हैं ना कि मतलब मुसलमान का आंदोलन है, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार आके देखे। दिल से बताइए कि ये मुसलमानों का आंदोलन है? अरे भैया, आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले, वही आपसे पूछ रहा हूं, आप मीडिया वाले हो भैया, आप देख रहे हो ना, क्या दलित नहीं है इसमें? अरे आप भैया, आप मीडिया वाले हो ना, आपको, आप देख रहे हो ना, आप देखो ना, आप देखो, आप यहाँ देखो ना, कौन कौन है। एक बड़ी बात है दोस्त, जो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहा है, जो यूथ हैं, उन्होंने साफ साफ शाहीन बाग के महिलाओं से पूछा, बुजुर्गों से पूछा कि क्या आप चाहती हैं बिना मीडिया के बातचीत हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मीडिया के गैर मौजूदगी में ये बात हो। तो इस विषय पर आपका क्या राय है? मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए, अभी मीडिया वाले जाके ये ना दिखा दे कि शाहीन बाग वाले कहते थे कि हम अकेले मतलब साइड में बात जाके करेंगे, उल्टा ना दिखा दे, ये भी डरेंगे मीडिया। नहीं, 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 देखिए, हम आपसे बात, आप हमसे बात करें, आप कुछ दिखाओगे, हर मीडिया का अलग अलग मतलब वो है, हर मीडिया अपना अलग अलग दिखाएगा। यहाँ जैसे अभी आज तक में देख रहे थे कि अभी मीडिया को अलग कर रहा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा है कि वहाँ का जो वकील आए हैं वो कह रहे हैं कि हम मीडिया सामने बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए भाई, यहाँ लोगों को कह रहे हैं बहुत दिक्कत हो रहा है जाने वाले को, यहाँ जो रात दिन बैठे हुए उसको दिक्कत नहीं है क्या? जो रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं लोगों को, एक घंटा दो घंटे के लिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, लोग यहाँ पे रात दिन बैठे हुए हैं, लोगों को मतलब देखो, अगर हम जा रहे रास्ते से, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे एक घंटे की परेशानी है दिन भर में, या दो घंटे की परेशानी है, जो 24 घंटा बैठा उसको परेशानी नहीं है। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, सरकार ने ये कानून बनाया है और ये जितने लोग हैं ये हिंदुस्तान के हैं, समझ गए ना, अगर सरकार कोई कानून बनाता है, अगर लोग उसका विरोध करते हैं तो सरकार का काम है उस कानून को आप आंख समझाइए और उसको आप बताइए कि क्या नहीं है। सबसे पहली बात, सीए जो है ये तो बिल्कुल एकदम गैर कानूनी है, आप बोलोगे कैसे है? अगर मान लीजिए भाई साहब, अगर हम मुसलमान हैं, आप गैर कौम से हैं, समझ गए, आप हिंदू भाई हैं, ठीक है, आप हिंदू भाई हैं, अगर आपने नागरिकता साबित नहीं कर पाया कि भाई हम यहाँ के नहीं हैं, तो आप या तो बांग्लादेशी कहलाओगे, या तो फिर पाकिस्तानी कहलाओगे, या फिर अफगानी कहलाओगे। तो क्या आप जो है, जब सीए के थ्रू नागरिकता आपको मिलेगा हिंदुस्तान का रहते हुए, तो आप क्या नागरिकता ले लोगे? हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए इस चीज को कि अगर सीए के थ्रू जब एनआरसी होगा, एनआरसी से जब छट जाएंगे और सीए के थ्रू जब उसको मिलेगा नागरिकता मिलेगा, और जब उसको कहा जाएगा या आप बांग्लादेशी हो या अफगानी हो या पाकिस्तानी हो, तो क्या उस चीज को आप मानोगे? ये सब भाई को इस चीज को समझना चाहिए, ये खाली मुसलमान का आंदोलन नहीं है भाई, ये हर किसी को ये चीज समझना चाहिए, ये आंदोलन सबके लिए है। और समझिए सीए क्या है, आप समझिए, अंदर तक जाकर समझिए। और हमारे अमित शाह जी ने जो कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी होगा, तो आप इस चीज, पहले सीए होगा उसके बाद एनआरसी होगा, तो आप इस चीज को समझिए आप। और ये सरकार जो है एक नंबर झूठी मक्कार सरकार है, समझ गए ना, मोदी जी हमारे कुछ कहते हैं, योगी जी कुछ कहते हैं, सुनिए मेरी बात, और शाह जी कुछ कहते हैं, समझ गए? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, कहा गया कि ये 2 किलोमीटर पूरा जो 2 किलोमीटर है ब्लॉक कर रखा है, मुझे बताइए 2 किलोमीटर है भैया? 2 किलोमीटर में उससे ज्यादा ब्लॉक है, लेकिन ये सुनिए, यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद करके रखा, ये क्या नाम है, केंद्र सरकार ने, दिल्ली का केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र पुलिस जो है, ये केंद्र के अंदर आता है दिल्ली पुलिस, सब जानते हैं, ये खाली भक्त लोग नहीं जानते हैं, ये जो भक्त है, अंध भक्त है, उसको नहीं मालूम है कि किसके अंदर आता है। और मेरी बात सुनिए, सिर्फ यहाँ से मेरी बात सुनिए, सब गाड़ियां जा रही है, एम्बुलेंस है, स्कूल का है। दूसरी बात भाई साहब, मेरी बात सुनिए, सिर्फ जो है 500 मीटर
भी नहीं है यहाँ पे, 500 मीटर भी नहीं है, पूरा नेवाडा बंद करके रखे हैं, पूरा सरिता बिहार बंद करके रखे हैं, इसको बदनाम करने के लिए 200 मीटर में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 500 मीटर, 500 मीटर रख लो ना भैया, 500 मीटर रख लो, यहाँ शाहीन बाग वाले जामिया वाले को यहाँ पूरा सब बंद करके रखे हैं, परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए यहाँ इसलिए बंद रखे ताकि जामिया वाले शाहीन बाग वाले अंदर नहीं आ सके, समझ गए। बाकी जो देखो मैं कहता हूँ यहाँ बिल्कुल आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ पूरा जो है यूपी वाले और दिल्ली वाले जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस परेशान कर रहे हैं, हम कहते हैं भाई आइए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो आइए सरिता बार घूम के जाइए और नेवाडा इधर आसपास वहां घूम के जाइए आप, उसके बाद देखिए कि कितना गवर्नमेंट ने जो है पुलिस वाले ने कहां कहां बैरिकेड लगा के बंद करके रखा, क्यों, ताकि ये आंदोलन को बदनाम किया जाए। कह रहे कपड़ों से पहचानेंगे, कपड़ों से यार मोदी कपड़ों से, अभी हम अगर सुन मेरी बात, मुझे पहचान लो कपड़ों से अगर पहचानते हैं, अरे भैया मैं कहता हूँ मोदी से मैं कहना चाहता हूँ आप कपड़े से पहचानते हैं, आप देश को पहचानिए कि आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, अब उसे पहचानिए ना, आप जो जीडीपी को क्यों नहीं पहचान पाए, आप जीडीपी को 8 पॉइंट से सीधा 4 पॉइंट पे लाकर धर दिए, अब वो नहीं पहचान पा रहे, आप कपड़ों से पहचान, करंट भी लगा है, अरे करंट किसको लगा भैया, करंट किसको लगा आप देखे नहीं है, हमारे शाह जी नजर नहीं आते मीडिया में, अब करंट किसको लगा आप खुद देख रहे हैं, करंट की बात करते हैं, क्या लग रहा है क्या फैसला क्या लेना है, क्या फैसला, मेरी बात देखिए शाइन, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसका बिल्कुल सर माथे पे, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर माथे पे भाई साहब, ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आए मीडिया सामने, वो क्यों नहीं बात करना चाहते हैं मीडिया सामने, और खाली क्यों कराना चाहते हैं, हमारा कहने मतलब है 65-66 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हम उठ के उधर चले जाएंगे सरकार हमारी सुनेगी, लोगों का कहना है कि बहुत नुकसान हो रहा है, नुकसान भाई साहब इतना सब दुकानें बंद है, इनके उनको नुकसान नहीं है जो यहाँ बैठे रात दिन काम धाम छोड़ के, मैं भी काम करने वाला बंदा हूँ, टाइम मिलता है मैं भी आगे टाइम देता हूँ, ये लोगों का कहना है जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम वो लोग हैं जो आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्थान खाली करके दूसरे स्थान पर शिफ्ट करें, अरे भैया मेरी बात सुन, मैं क्या सुप्रीम कोर्ट का हर बात को सर माथे पे भाई साहब, लेकिन मेरा कहना मतलब सरकार ने जब ये कानून बनाया है, आज 65-66 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, रोड ब्लॉक रहने के बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तुम साइड में चल जाएंगे हमारी सरकार कब सुनेगी, कब सुनेगी भाई साहब, जब यहाँ जब सुन ही नहीं रहे, यहाँ रोड ब्लॉक करके बंद करके हम लोग बैठे नहीं सुन रहे, लोगों को परेशानी उसके बाद नहीं सुन रहे, जब लोगों को परेशानी नहीं होगी तो हमारी कहाँ सुनेंगे लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो लोग NRC NPR से बाहर होंगे उनका वोट डालने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि DNA के आधार पे आप जो है अगर NRC करना चाहते हैं, NRC के पक्ष में DNA के आधार पे कीजिए, फिर पता चलेगा यहाँ के मूल निवासी कौन है और यहाँ से क्या कहते हैं घुसपैठिया कौन है। आखिर क्या रास्ता क्या है, रास्ता क्या, कैसे सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सुलह देखिए सबसे पहली बात, जितना हमारी यहाँ माएँ बैठी हुई हैं उन लोगों का सीधा कहना है CAA वापस लो और NRC में आप लिखित में दो कि NRC देश में नहीं होगा। मेरा कहना मतलब है यार इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हमारे देश में है, आप एजेंसी के थ्रू पता करो ना भाई कौन घुसपैठिए हैं, कैसे घुसा दिया आपने यहाँ पे, आपने 3% लोगों के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को आप रोड में खड़ा करना चाहते हो, लाइन में खड़ा करना चाहते हो आप, तीन लोग कहते हैं घुसपैठिए 3-4 करोड़ है, तो उतने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को आप लाइन में खड़ा करना चाहते हो नोटबंदी के जैसे। मैं कहता हूँ आप जो है आप अपना जो है जांच एजेंसी से पता करो कि कौन घुसपैठिए हैं, उसे पता करो, उसके बाद आप जो उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये बिना सोचे समझे उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। अरे भैया ये क्या कहते हैं इसको, ये सरकार चलाने लायक नहीं, ये लोग चड्डी पहन के RSS वाले जो बोलते हैं ना, चड्डी पहन के लोग बहुत डंडा लेकर घूमने वाले लोग हैं, डंडे की जगह झुंझुना मिल गया इन लोगों को देश चलाने का, अब ये लोग जो है ना झुंझुना बजा रहे कुछ नहीं कर रहे, आप ये देखो ना क्या करा ना इन्होंने सब, आप कहते कांग्रेस, मैं कांग्रेस का पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये करता नहीं, पार्टी की बात नहीं, वैसे मैं कह रहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ये कहते हैं ना कांग्रेस, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, मोदी जी आए हुए 6 साल चल रहा है, सब बेच के खाए जा रहे हैं, सारा का सारा जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हम कहते हैं सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर आप सरकार में क्यों हो, LIC भी है? अरे सब बेच के खा रहे हैं यार, सब बेच के खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं देश बहुत बढ़िया चल रहा है, कहाँ बढ़िया चल रहा है भैया, अब देश को बेच के खा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं NRC CA पे और सब जो अलग अलग कानून ला के लोगों को डिवाइड कर रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब भैया आप जो है देश को अगर चला सकते हो ठीक है, नहीं तो आप जो है बिल्कुल कुर्सी छोड़िए ठीक है, और ये जो कानून वगैरह बिल्कुल आप वापस लीजिए। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे देश में जो है हिंदू मुसलमान की 2014 के बाद कुछ ज्यादा ही जो है चरम पर आ गए, इस विषय नहीं मेरी बात, हिंदू मुसलमान जो है ना मेरी बात सुनिए, हिंदू भाई भी बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ जो चड्डीधारी, मेरी बात सुनिए, कुछ चड्डीधारी जो लोग हैं जो भगवाधारी भगवा को बदनाम करके रखे हैं, मेरा नाम इश्तियाक है भाई, और जो
और जो क्या कहते हैं भगवा को भी मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, लेकिन चड्डीधारियों ने और भगवाधारियों ने भगवा के नाम पे और जय श्री राम के नाम पे हमारे राम जी को भी बदनाम करके रखा है इन लोगों ने। राम के नाम पे गोली चला रहे हैं आकर के, भगवा पहन के ये लोग जो है क्या नाम है भगवा को बदनाम कर रहे हैं। हम भगवा के भी पक्ष में हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाइयों आप वो क्या कहते हैं नहीं मिल के मिलने की बात मानी है, हम कहते हैं भगवा के नाम पे आतंक मत फैलाओ, भगवा को बदनाम मत करो आप, समझ लो, और हिंदू मुसलमान को मत बांटो आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शाहीन बाग के यूथ हैं, आपने सुना होगा जब, हाँ, बोलिए। जब मुझे टाइम मिलता है, देखिए मेरे पीछे बैग लटका हुआ है, स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं मैं काम करने वाला बंदा हूँ। अच्छा। जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब यहाँ पे आता हूँ। काम है ही नहीं देश में, वो तो भाई भाई नहीं, वो तो हकीकत बात है जब, लेकिन भाई रोजी रोटी के लिए कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं आके यहाँ पे हाजिरी देता हूँ। मुझे लगा मैंने शाहीन बाग को डे वन से कवर किया, तमाम ऐसे यूथ मिले हैं, लेकिन पहले ऐसे यूथ हैं जो काम को कर रहे हैं और कह रहे हैं काम को भी कर रहे हैं और फिर इस प्रोटेस्ट में। दूसरी बात सुनिए, ये हमारे टाइम भी दे रहे हैं। दूसरी बात बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी भाई पैसा कोई ये आप कहते साबित करो, लोग कहते हैं यहाँ पे नारा लगता है देश को टुकड़े होंगे, साबित करो आप जो है, या तो फिर आप सबसे निकम्मी सरकार हो आप। दूसरी बात देखिए हम भी का मुद्दा नहीं, अरे सब विकास है कहाँ, विकास है कहाँ। दूसरी बात यहाँ पैसा कहाँ से आता है मैं बताता हूँ, मैं भी जहाँ हमारा जहाँ मेरी हैसियत का नहीं, मेरी हैसियत के हिसाब से मैं भी यहाँ पे आता हूँ, बच्चों में जहाँ तक होता बांटता हूँ। बहुत से लोग आते हैं अपने हैसियत के हिसाब से बांटते हैं, पैसा इस हिसाब से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, कोई पीएफआई नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।